सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर चैनल अभिनव चिराग रावत। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो भाई साहब, मैं पहुँच चुका हूँ गुड़गांव, मतलब मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली अपने लाइक वापस मुजिद के साथ घर पे। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ, तो मैंने जल्दी 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 व्लॉग एडिट किया है। और ये व्लॉग जो आप लोग अभी वाला व्लॉग देखेंगे, वो आप लोग व्लॉग ही देखिए, फिर बात करते हैं। चलिए। तो हम लोग आए थे अभी चिराग भैया और मैं, मतलब चिराग भैया तो दिन में ही आ गया था मौसी के पास, पर मैं आई शाम को। तो फिर हम आए नानी के घर, नानी को मिलने, मामी मौसी को मिलने, मामी है हमारी छोटी वाली मामी, नाना जी भी हैं, सब है। तो मौसी कैसा लग रहा है? फिर अच्छा लग रहा है, और मैं जानवी के हमेशा व्लॉग देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जानवी रहती है तो ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ। मैं रहती हूँ तो थोड़ा और अच्छा लगता है, बढ़ जाए। मामी आप भी बोलो कुछ, मामी आप ना तो आज मामी की एनिवर्सरी है। नहीं, एडिट नहीं, ये तो आएगा। आज है हमारी मामी की एनिवर्सरी, तो प्लीज सब कमेंट सेक्शन में हैप्पी एनिवर्सरी मामी जी को विश करना। और मामा जी तो अभी दिल्ली में, पर मामा जी ने मामी के लिए गिफ्ट भिजवा दिया है। अभी रात में पार्टी भी होगी, और ये है जिनकी एनिवर्सरी है, हमारी छोटी वाली मामी। हाय मामी बोलो, सब्सक्राइब हो जाए हमारा चैनल। पेट दिख रहा है बहुत मोटा हमारा। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मामी जी बोल दो सबको सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ जी मौसी, कितने होंगे अब, कम से कम है ना, एनिवर्सरी में तो होनी चाहिए। वही तो, और मौसी को देख लो, 48 इयर्स की है, पर 50 साल की उम्र में कौन इतना फिट होगा, देख लो आप। नहीं, मैं 48 इयर्स की हूँ। हाँ, बर्बाद पर ये बर्बाद नहीं होगा। कितनी फिट हो आप? हाँ देखो, पर चलो मैं 50 साल की हूँ, और सच में मैं देखो कितनी फिट हो। आप लोगों को भी ऐसे रहना चाहिए। नहीं लेकिन ये तो है भाई, हमारे मम्मी लोग 5 भाई बहन है, पर सबसे ज्यादा एक्टिव मौसी है, राधा मौसी है। सब ये हमारी थर्ड नंबर में है ना मौसी, आपका नंबर, मौसी का थर्ड नंबर में है, पांचों भाइयों में, भाई बहनों में थर्ड नंबर में आती है मौसी। पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब अभी मौसी का नया घर बन रहा है, और सारा सब कुछ घर का काम मौसी अकेले का कर रही है। इधर जाना, सामान आता है, ट्रक वगैरह आते हैं, सब मौसी अकेले देखती है। तो हैट्स ऑफ, और अपने बच्चों को भी यहाँ अकेले पढ़ा रही है, क्योंकि मौसी जी लोको पायलट है, वो बाहर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मौसी यहाँ देहरादून में, तो मौसी यहाँ देहरादून में अपने बच्चों के साथ रहती है। तो मौसी ने पहले दीदी को पढ़ाया, फिर दीदी ने कॉलेज करा यहीं से, फिर दीदी जॉब में चले गई है, अब मौसी अपने छोटे वाले लड़के को पढ़ाती है, फिर घर वर भी देख रही है जो बन रहा है, तो मानना पड़ेगा, गुड जॉब। मामी है हमारी, दिखा दिया अभी नहीं, ये मामी हमारी, ये हमारे घर जिस जब मामी की शादी हुई थी उसके 1 साल या 2 साल बाद आई थी मामी हमारे घर, बस एक बार, तब से मामी हमारे घर में आई है। तो सब प्लीज, ऐसे कोई वो नहीं है, पर मामी को टाइम नहीं है, तो सब प्लीज लिखिए कमेंट में कि प्लीज कोटद्वार जाइए, और फिर मामी के साथ हम कोटद्वार का व्लॉग बनाएंगे। अभी आ रही है मामी 10-11 तारीख में कोटद्वार आ रही है, और मौसी भी आ रही है, और हम कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने जाने का, फिर आप लोग वो ब्लॉग में देखेंगे। यार पहले फाइनल तो होने दे, अभी फाइनल बोलो, पर ठीक है अभी से ऐसे मत बोलो, बोलो ना मामी, मेरा फाइनल हमेशा रह जाता है। हाँ एक अभी बहुत डेंजरस कॉल आ रहा है, मामी उठाने जा रही है, उठा लो मामी। और ये रही हमारी नानी, प्यारी नानी, अरे नानी बोलो कुछ। नानी के बारे में भी अच्छा है कि नानी पर करता है, और जैसे किडनी का मम्मी डायलिसिस है, अभी हाथ भी टूट गया है, शुगर भी है, बीपी की भी है, पर मम्मी बहुत कुछ अकेले, मतलब इसको सरवाइव कर रही है अकेले, वही सही बात है। और एज भी बहुत मतलब हो गई है, तो फिर भी उसके हिसाब से, और इतना एंजॉय करती है ना नानी, मतलब नानी के आप बाल देखो अभी भी कितने ब्लैक हो रखे, तो नानी ने खुद बोला है कि मेरे बाल कलर कर दो एकदम, तो मतलब उनको इतनी डिजीज है इतनी सारी, पर उसके बाद भी उनका दिल देखो कितना जिंदा दिल है वो, है ना नानी। और नानी अभी कहती भी है ना, जैसे हम लोग अभी हमने कहा हम बाहर जा रहे हैं, तो नानी कहती है मेरे लिए जरा सूट वूट ले आना, और सूट भी नानी के लिए अगर हम ग्रे ब्राउन ऐसे कलर ले आए ना, तो वो नानी को पसंद नहीं आते, नानी कहती है ब्राइट अच्छे कलर लाओ भाई मेरे लिए, तो नानी के लिए भी हैट्स ऑफ।
तो आज हमारी कजन है गिन्नी दीदी, हमारी सबसे बड़ी सिस्टर है कजन्स में गिन्नी दी, उनका आज बर्थडे है, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गिन्नी दीदी। हैप्पी बर्थडे गिन्नी। मौसी की तरफ से, मामी की तरफ से, सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे। चिराग भाई की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। बोलो भैया हैप्पी बर्थडे दीदी। हैप्पी बर्थडे दीदी। हम सेलिब्रेट यहाँ कर रहे हैं। हाँ हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आपका बर्थडे। नानी हैप्पी बर्थडे बोलो। कह दिया मैंने तो कर दिया, फिर बोल दो एक बार। चलो गिन्नी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हाँ हैप्पी बर्थडे। और ये आ गए हमारे नाना जी। नाना जी तो वाले हीरो लग रहे। कौन था ये? रे ये रहे हमारे नाना जी, सुपर हॉट, देखो कितने स्मार्ट हैं। और ऐसे दिखा रहे ये भी भाई बहुत जबरदस्त है नाना जी भी, मतलब इतना काम करते हैं ना नाना जी, नानी के सारे कपड़े धोना, नानी को हर मिनट मिनट में फ्रूट्स खा लो ये खा लो, मतलब बहुत केयर करते हैं। और नाना जी को खुद कैंसर है पर उसके बावजूद भी नानी की केयर पहले करते हैं, अपने आप को तो तब बाद में देखते हैं। तो हैट्स ऑफ नाना जी के लिए भी, कपल गोल्स तो नाना नानी की तरह एकदम। क्या बोलना, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे गिन्नी दीदी का। हैप्पी बर्थडे गिन्नी का। हैप्पी बर्थडे। और नाना जी बोलो सब्सक्राइब कर दो। नाना जी मैं बोलूं? मैं ऐसे बोलो वीडियो को प्यार दो सब। अच्छा वीडियो को प्यार दो, सब्सक्राइब कर दो बस। अब तो भाई नाना नानी ने भी बोल दिया तो प्लीज सब्सक्राइब करो हमारे क्यूट से नाना जी के लिए। आप मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो प्लीज, खुद ले लो अंदर जाके। आप हमें लेने आए? आए हमें लेने। तुम्हारे क्या कराया? आपकी वजह से हमारे ब्लॉग में तरक्की हो रही है। आए हमें लेने? तुम्हें तुम्हारे लेने का भी ना मुंह तोड़ दिया। तुम्हारे क्या कराया भैया? देख लो देख लो सब देखो। ये देखो एक उधर जा चुकी है, ये है मामी और ये है मौसी। ये लोग पता क्यों तैयार हो रहे? जैसे हमने कैमरा खोला इन्होंने कहा भाई हमें सब लोग देखेंगे, हम सबसे पहले अपने बाल वाल सही कर ले। देखो जरा इन्हें, ये देखो बाल सही करने जा रहे हैं। क्या हुआ? हाँ हाँ सही बात है, धोने का मौका ही नहीं मिला भाई। अब नहा के आ जाओ। अच्छी बात है, सही बात है, ऐसा होना चाहिए। देखो पर बस जैसे है वैसे है, नेचुरल ब्यूटी। नहीं नहीं अच्छी नेचुरल नेचुरल ब्यूटी। प्लीज प्लीज मामी के लिए और मौसी के लिए सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखना, क्योंकि मामी और मौसी स्पेशली आप लोगों के कमेंट्स का वेट कर रहे हैं। तो मौसी मौसी मामी भी मौसी अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए वेट कर रही। हाँ भाई आप क्यों बैठे वैसे? और हम आए मामी के घर, तो वैसे तो मामी की एनिवर्सरी, हमने मामी को एनिवर्सरी विश कर दिया है, पर मामी की एनिवर्सरी थी कल और कल हम आ नहीं पाए क्योंकि कल तो हम कोटद्वार में ही थे। फिर हम आज जब कोटद्वार से निकले तो हम आज आए हैं मामी के घर, तो कोई बात नहीं, मामी की एनिवर्सरी कल ही गई है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, एक ही दिन हुआ है, तो हमने सोचा मामी का एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन तो करना बनता है, तो हम मामी को विश करने आ गए। तो मामी येरी और मामी की एनिवर्सरी वैसे थी कल, पर हम लोग कल तो कोटद्वार में ही थे, कल तो हम आ नहीं पाए क्योंकि मेरा फोन कल ही आया, तो फिर कल हम फोन की वजह से एक दिन और रुक गए, वरना हमने सोचा था हम कल जाएंगे मामी की एनिवर्सरी वाले दिन, पर कोई नहीं अभी एक ही दिन हुआ है मामी की एनिवर्सरी को, तो हम आ जाए मामी को विश करने। तो हैप्पी एनिवर्सरी तो हमने विश कर दिया था, तो हैप्पी बिलेटेड एनिवर्सरी मामी की। थैंक यू सो मच बेटा। बोलो मौसी एनिवर्सरी। और भी कुछ बोलो, आप दोनों तैयार तो बड़ी एक्साइटमेंट से हुई थे। तैयार होते हम ऐसे लगता प्लीज ये अपनी इनको ये इसलिए नहीं तैयार हुए हैं, नहीं ये इसलिए नहीं तैयार हुआ है क्योंकि इन्होंने कहा भाई हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है वो लोगों को दिखनी चाहिए। तू तो बड़ी उसमें ग्लो कर रही है। अरे तो मैंने 10 किलो मेकअप भी करवा रखा है। तो प्लीज इनकी नेचुरल ब्यूटी के लिए आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताइए। नहीं आप लोग जो कमेंट करेंगे इनकी नेचुरल ब्यूटी के ऊपर करना, ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स का। जब हम मतलब रियलिटी में रेडी होंगे तब हम आपसे पूछेंगे हम कैसे लग रहे हैं। अभी तो हम जैसे हैं वैसे ही है। नहीं मस्त बस। चलो जी हाँ भाई चल बाय। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। भले ही मैं दिल्ली आ गया हूँ बट जानवी और मैं साथ में ब्लॉग करेंगे और रोज साथ में ही ब्लॉग्स करेंगे हम लोग। कुछ चीजें आ रही है नई नई करके, धीरे धीरे करके चेंजेस हो रहे हैं ब्लॉग्स में, तो आप लोगों को होप वो अच्छा लगा और उसको देख देख के मैं भी सीख रहा हूँ। सो हाँ वो मुझे सिखा रही है, मैं भी सीख रहा हूँ, हम दोनों दूसरे को सिखा रहे हैं। आप लोगों का साथ रहा तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे और आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। पहली बात तो ये।
दूसरी बात यह है कि भैया ऐसा है कि अब मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे अगले दिन के लिए ब्लॉग एडिट भी करना है, तो अभी के लिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हम लोग मतलब रावत फैमिली यूट्यूब पे आए तो आप लोगों को पक्का पता चल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।